गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। आज जो समय है घड़ी में, ये 6:22 हो चुका है और हम खड़े हैं ठीक, देखिए एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है, इसके मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे। तो यहाँ से हम टोटो वगैरह लेके सिलीगुड़ी जंक्शन तक जाएंगे और वहाँ से कोलकाता यानी कि सियालदह से आते हुए एक ट्रेन जो न्यू माल जंक्शन जो है वहाँ लेकर जाएगा हमें। तब तक के लिए देखते रहिए और कुछ नज़र। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो नज़ारा, ये है तेंजिन नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनस। यहाँ से स्टेट बसेस जो है आप देख ही सकते हैं कि बसेस बाहर निकल रहे हैं। बस डिपो से NBSTC बस डिपो है, यहाँ से बसेस रूट की ओर जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे पीछे वाले जो हिस्से है, यहाँ पे स्टेट बस स्टैंड यानी कि तेंजिन नोर्गे केंद्रीय बस टर्मिनस, सेंट्रल बस टर्मिनस। और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये पीछे वाले जो देख रहे हैं एक सफ़ेद रंग वाला बिल्डिंग, वो है सिलीगुड़ी जंक्शन। यहाँ से हमारा नेक्स्ट ट्रेन है डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए। तब तक के लिए हम थोड़ा खाना वगैरह का इंतज़ाम किया और थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद आप सभी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर दिया पूरी और सब्ज़ी यानी कि दाल, ये हमारा ब्रेकफास्ट है। खाने का क्वालिटी देखने से तो अच्छा ही लगता है और खाने से पता चलेगा कि कैसा है, तो फीडबैक ज़रूर देंगे। तब तक बने रहिए। आपको ये देख के शायद पता चल चुका होगा कि हम अभी खड़े हैं यहाँ सिलीगुड़ी जंक्शन में और हमारा अगले का जो ट्रेन है न्यू माल जंक्शन तक ले जाने वाली, वो है कंचन कन्या एक्सप्रेस। तो कंचन कन्या एक्सप्रेस में हमारा रिजर्वेशन है, लगभग 90 किलोमीटर्स रास्ता कवर करना पड़ेगा इस ट्रेन के ज़रिए। और आप देख सकते हैं कि इधर कुछ लोकल ट्रेन्स जो मैंने अभी अभी आपको फुटेज के ज़रिए दिखाया, वो खड़ी हुई है। और हमने वहाँ तेंजिन नोर्गे बस टर्मिनस के पास एक होटल में कुछ खाना खा लिया। खाने में क्या था वो तो आप देख ही चुके हैं और स्वाद ठीक ठाक ही थे, बस ठीक ही है। ट्रेन का अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है, कुछ ही देर में, कुछ ही समय के अंदर वो आने ही वाली है। टाइम टेबल जो है 8:05 के आसपास है, लेकिन
थोड़ा टाइम इधर उधर करके आ ही जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस विद मी, एंड ये जो जर्नी है इस जर्नी का मजा लेते रहिए। और आसमान की जो बादल कलीघाटा छाए हुए है, आप देख ही सकते हैं कि क्या हालात है। सिर्फ इसीलिए आप सभी के पास ये अनुरोध है कि अगर आप इस जगह आना चाहते हैं तो इस मौसम को टारगेट करके ही आइए, क्योंकि इस बारिश का मौसम में जो आपको दिखने को मिलेगा, जो आपको एंजॉयमेंट करने के लिए आप आओगे तो फुल एनर्जी के साथ पूरी मज़ा आप लोग उठा सकते हैं। चलते रहिए मेरे साथ और स्टे ट्यून्ड। हमारा ट्रेन जो है वो यहाँ से सिलीगुड़ी जंक्शन से खुल चुके हैं और हम अब जा रहे हैं न्यू माल जंक्शन की ओर।
हम पहुंच चुके हैं न्यू माल जंक्शन, और यहाँ से पीछे खड़े है वो जो ब्लू कलर का कार है वो हमने लिया, और यहाँ से झालंग तक जाएंगे इसी गाड़ी में। तो चलिए चलते हैं झालंग की तरफ। तो अब हम निकल पड़े हैं झालंग की ओर। गाड़ी जो है ये खुल चुका है और सामने हम जा रहे हैं झालंग। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए और लेते रहिए इस टूर का मज़ा। निकल चुके हैं, निकल पड़े हैं झालंग की ओर, और हमारे साथ जो है अरविंद भैया, बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस भैया से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में भैया का फ़ोन नंबर, कांटेक्ट नंबर जो है वो हम डाल देंगे। और स्टेशन में उतर के इस भैया को ज़रूर खोज कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इतना हेल्पफुल है। अगर बोलूँ तो भैया मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो बहुत मज़ा भी आ रहा है। ये जो इतना 45 किलोमीटर जो भैया ने बताया, तो 45 किलोमीटर जो रास्ता है इसको कंप्लीट करना है हमारे फाइनल जो डेस्टिनेशन है झालंग, वहाँ पहुँचने के लिए। हम फिलहाल उसी के गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं झालंग की ओर। लगभग आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचते। यहाँ का जो नज़ारा आप लोगों ने देख चुके हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नज़ारा खुद ही एक एक्सप्लेन है। और कांचनकन्या एक्सप्रेस में जब हम जर्नी कर रहे थे, तो जर्नी के दौरान एक बैंक मैनेजर से मुलाकात हुआ। तो सर अलीपुरद्वार जा रहा है, तो उस अंकल के मुताबिक कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो चुका है। हाथी के झुंड कभी भी आ सकते हैं और आके ह्यूमन लाइफ जो है, मनुष्य का जीवन, वो धनसक तक जो कार्य है वो करके चला जाते हैं, और जो घर वसत जो है वगैरह उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जाति होने के बावजूद हम लोगों ने कभी कभी उल्टा सीधा काम कर देते हैं, कभी कभी गलत कुछ काम कर देते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको नहीं मानते। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हाथी के झुंड में भी एक रूल्स, कुछ रेगुलेशन होते हैं, जिसको उस ग्रुप का सारे हाथियों को पालन करना पड़ता है। अगर कोई नहीं सुना, कोई नहीं उसको पालन किया, तो सीधा उसको उस झुंड से बाहर निकल दिया जाता है।
बाहर निकल देने के बाद जो झुंड से बाहर निकलता हुआ जो हाथी है वो मानसिक संतुलन बिगड़ देते खो देते हैं और सामने जो भी आते हैं उसको सीधा ख़त्म कर देते हैं। तो ये है हाथी के बारे में। और लिपट के बारे में, चीता जो है उसके बारे में भी बोला कि ये जो चीज़ है ये डुअर्स रीजन है। आप लोगों ने देखा शायद, मैंने पिछले सीन में दिखाया कि चाय की जो बगान बगीचा है, हाँ, तो वो जो टी प्लाकर्स जो है चाय जो निकालते हैं, लिपट की शिकार बन जाते हैं कभी कभी। जब प्रसव करने की समय आते हैं तो वो बगान में आते हैं, बच्चे देते हैं और वहाँ का जो छोटे छोटे खाड़ी जो वहाँ बच्चे को छुपा के रखता है। एक्चुअली बात यह है कि नाका चेकिंग चल रहा है तो गाड़ी को रोक दिया गया है और कुछ चेकिंग किया जा रहा है अभी। तो हम लोग ठहरे हुए हैं यहाँ और जो बात बोल रहे थे चीता के बारे में वो ये है कि वो बच्चे देने के बाद वो जो पुरुष चीता है वो बच्चे को खा जाते हैं। तो इसीलिए वो करते क्या है, वो पत्तों से बच्चे को ढाक देते हैं। चाय की बगान वहाँ आने का रीज़न है, वहाँ का जो छोटे छोटे खरगोश रहते हैं बहुत सारा, तो बच्चे जो है वो मादा ने बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कैसे शिकार किया जाता है। तो ये ट्रेनिंग पाके जब वो बड़ा होता है तब अलग से ढंग से उसका जो अपना ढंग होता है तो वैसे शिकार करते हैं। तो सिर्फ वहाँ बच्चे की कारण अगर उसके सामने कोई पड़ जाए, चीता वो जो मादा चीता है उसके सामने कोई पड़ जाए तो डायरेक्ट अटैक कर देगी। तो बात यह है कि जो गार्डन में काम करते हैं ये लोग, लाइफ यानी कि रिस्क 95-98% रिस्क के ऊपर बेस करके ये लोग यहाँ काम करते हैं अपने दिन गुजारने के लिए। तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही उन लोगों का जीवन है, ऐसे ही सब कुछ इधर चलता है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि अटैक हो चुका है चीता के द्वारा और मादा चीता के ये टेंशन रहती है सब समय के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसी टेंशन के कारण वो सिर्फ अटैक करते हैं। हम चल पड़े फिर। अब वेदर देखिए, कुछ मिनट पहले इधर बारिश हो रही थी और अब देखिए कितना धूप निकल के आया है, धूप निकल आया है। तो यही है, फ्लैक्चुएट करता है जो तापमान है इसी के कारण फ्लैक्चुएट करता है। और फिर ये जो देख रहे हैं दोनों साइड जंगल ही जंगल, और हम ये जो रास्ता है इस रास्ते को चीर के, ये जो वन है वन को चीर के ये रास्ता चला गया है। कहीं चढ़ाई है तो कहीं उतराई है, इसको अब ध्यान से देखिए। इधर हम चढ़ चुके हैं और ये पूरा रास्ता अप टू झलंग, ये एक बार पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ेंगे और फिर एक बार उतरेंगे, ये ऐसे करके हम सीधा झलंग पहुँच जाएंगे। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और लेते रहिए इस डेस्टिनेशन, इस टूर की मज़ा। धन्यवाद।
आप लोगों ने शायद देखा कि मैंने क्या क्या दिखाया आप लोगों को अब तक। मुर्शिदाबाद से लेके एनजीपी तक देखने के लायक कुछ नहीं था, इसीलिए सिर्फ स्टेशन और जो नाइट व्यू है थोड़ा कवर करने की कोशिश की। लेकिन जो सिलीगुड़ी जंक्शन से लेके ये न्यू माल जंक्शन तक जो व्यू, जो नज़ारा है, ये एक ना एक बार देखने के लिए आपको ज़रूर आना ही पड़ेगा। ये नॉर्थ बंगाल एक ऐसे ही जगह है, ये नॉर्थ बंगाल आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आया तो जीवन संपूर्ण नहीं होता है, खास करके जब आप एक बंगाली हैं।